ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, सेंटर गवर्नमेंट हाय हाय, सेंटर गवर्नमेंट हाय हाय, हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल जो है आसमान छू रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे सरकार बनने से पहले, वो वादे पर पूरा कामकाज नहीं उतरी है। आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं, आज उन पे हमारे नौजवान पुंछ के जो यूथ था उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा। इस पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से जो आम गरीब लोग हैं उन पे असर पड़ता है। हमारे खाने पीने की चीजें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। देखिए, हम कोरोना से लड़ें या गरीबी से लड़ें या अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ें, हमारा जो जम्मू कश्मीर था इसको यूटी के साथ कन्वर्ट किया, बड़े बड़े अफसोस की बात है। हम जब बीजेपी गवर्नमेंट आई हमने ये सोचा था कि अब हमारा भी कुछ होगा, मगर नहीं, जो हम पहले जिस हालात में से उससे भी बदतर हो चुके हैं। हमें आपके मीडिया के माध्यम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है, खाने पीने को भी कुछ नहीं आता है, जो भी माल मटेरियल यहाँ आता है वो थर्ड क्लास आता है, आटा जो आता है आटे में रिक होती है, चावल जो आता है उसमें पत्थर होते हैं, दाल जो आती है उसमें भी पत्थर होते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं, हमारे पास कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है। वो एक जो रेट था ये जो डीजल और पेट्रोल का, इसके बढ़ने से गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं फिर चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इसका रेट कम हो और गरीबों को इंसाफ मिले।